तो दोस्तों, अच्छी खबर ये है कि मोहम्मद रिजवान और शोएब मलिक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल ने फिट करा दे दिया है। यानी दोनों क्रिकेटर्स आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल टीम पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे। तो पाकिस्तान टीम पर जो हल्का सा दबाव था, या जिसे बास एक्सपर्ट धचका भी कह रहे थे, और धचका था भी कि दोनों क्रिकेटर्स जो थे वो उनको बुखार था और वो फिट इतने नहीं थे कि जो कल ट्रेनिंग सेशन हुआ उसमें हिस्सा ले सकते। मगर आज दो बार एग्जामिन किया मेडिकल पैनल ने, और एक सुबह 10 बजे किया और एक अब से कुछ देर पहले किया, और उसके बाद ये हतमी रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो पहले पूरे वर्ल्ड कप में फाइनल 11 कॉम्बिनेशन खेल रही थी, उसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी। यानी शोएब मलिक और मोहम्मद रिजवान, जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क था, अब वो क्वेश्चन मार्क हट गया है और दोनों क्रिकेटर आज टीम पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे। तो एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है, खासकर सेमीफाइनल एक बड़ा मैच था और पाकिस्तान सिर्फ दो सीढ़ियाँ दूर है वर्ल्ड कप जीतने के लिए, और तमाम एक्सपर्ट पाकिस्तान टीम को एक्सपर्ट जो है वो फेवरेट करार दे रहे हैं। आज ऑस्ट्रेलिया को गिराना है पाकिस्तान ने, और उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम का फाइनल जो है वो खेला जाएगा, अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है। न्यूजीलैंड को पाकिस्तान पहले भी ग्रुप मैच में हरा चुका है, तो इस तरह पाकिस्तान काफ़ी फेवरेट माना जा रहा है। मगर दो खिलाड़ियों की ये खबर सुनने के बाद कि दोनों को बुखार हुआ था और एक एक फील आ रही थी कि शायद पाकिस्तान जो है वो फेवरेट की लाइन से हट जाएगा, क्योंकि एक ओपनर है और दूसरे शोएब मलिक जो कि मिडिल ऑर्डर को पूरा सहारा दे रहे थे, मगर अब तमाम खदशात हट गए हैं और पाकिस्तान टीम उसी फाइनल 11 के साथ मैदान में उतरेगी जो पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अब से पहले उतर रही थी।